हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में आपको एक डेमो भी करके बताऊंगी कि किस तरह से हमें अपने बनी को फूड देना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, और जिस तरह से मैं मतलब इस वीडियो में जिसे बताने वाली हूँ कि उसका रीज़न भी बताने वाली हूँ कि फ्रेंड्स कि बनी को इस तरह से ही फूड क्यों देना चाहिए। फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और फ्रेंड्स ये तरीका इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स जो मेरा जो गुपलू है, मेरा जो बनी है, तो एक्चुअली उसे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था और एक्चुअली हम लोग खुद भी नहीं समझ पाए थे। एक्चुअली उसे लूज मोशंस बार बार हो रहे थे और हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद ये एक चीज़ ऑब्जर्व किया और उसको हम लोगों ने सोचा कि नहीं, जो हम लोगों ने जो गलती जो की है वो मतलब हम लोग नहीं चाहते कि मतलब इस गलती को अनजाने में आप सभी से हो, तो मतलब कि आपका बनी भी सफ़र करेगा। तो हमें लगा कि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सभी के साथ शेयर करना बनता है। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आप सभी से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि हम लोगों ने को प्रॉब्लम क्या हुई थी और हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया और बनी को फिर से हम लोगों ने किस तरह से फूड देना स्टार्ट किया। ये तीन चीज़ें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि जैसा हम लोगों ने गलती किया, फ्रेंड्स आप अवॉइड कीजिए, वैसी गलती ना करें तो आपके बनी की हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या हुआ, जब हम लोग एक चीज़ हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा जो गुपलू है, मतलब हमारा रैबिट है, आप तो हमारे रैबिट का नाम जान ही गए होंगे कि हमारे बनी का नाम गुपलू है। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, जब मतलब हम लोग हमेशा देख रहे थे कि जो हमारा जो गुपलू है उसका हमेशा पेट खराब हो रहा था और उसे लूज मोशंस हो रहे थे, बहुत रेगुलर ही हो रहा था। मतलब कि आप समझिए कि 10 दिन में एक बार तो उसे एक या दो बार लूज मोशंस हो जाते थे। तो फ्रेंड्स से जब भी हम लोग मतलब काम करके आते थे, ऑफिस से आते थे, तो देखते थे कि हमारा गुपलू पूरा मतलब उसका पूरा पेट खराब हो चुका है, पूरा मतलब हाथ पैर में उसने पूरा पोटी लगाया हुआ है फ्रेंड, और मतलब वो बहुत असहाय महसूस करता था। तो फिर हमें भी देखकर बहुत बुरा लगता था कि एक्चुअली इसे ऐसा क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स से तो एक्चुअली और फ्रेंड्स कभी कभी वो मतलब जब उसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ होती थी तो फ्रेंड्स वो मतलब हल्की सी आवाज़ें भी निकालता है, अगर से जब मतलब आपको नोटिस करना पड़ेगा, वो बहुत हल्की सी आवाज़ें निकालता है। तो मतलब तब हमें समझ में आता था कि हमारे बनी को तकलीफ़ हो रहा है, फिर हम लोग उसको अच्छी तरह से क्लीन करते थे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स तो एक्चुअली हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग तो प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, सब चीज़ ठीक से उसका टेक केयर कर रहे हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम क्यों आ रही है और हमारे गुपलू का मतलब हमारे गुपलू को ये लूज मोशन बार बार क्यों हो रहे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग उसको जो भी फूड भी देते थे तो हम लोग टैप वाटर, रनिंग वाटर से उसको वॉश करके ही देते थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग रनिंग वाटर से वॉश करके नहीं देते थे, लेकिन तब भी ये प्रॉब्लम आ रही थी फ्रेंड्स, और डाइट भी सही था। तो फिर फ्रेंड्स ये तो था प्रॉब्लम कि जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया, और हम लोगों ने फिर क्या ऑब्जर्व किया और फिर से मतलब तब से हम लोग मतलब अभी से हम लोग या फिर जब हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम था और उसके बाद हम लोगों ने किस तरह से फूड देना स्टार्ट किया, मैं आप सभी के साथ ये शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स एक बार क्या हुआ, जब हम लोग होम टाउन गए अपने, तो वहाँ पर देखा कि हमारे जो फैमिली मेम्बर है वो बनी का मतलब हमारी गुपलू का फूड लाते थे। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि वो जो फूड देते थे हमारे बनी को, तो वो एक के बड़ा सा टब रखते थे, और मैं फ्रेंड्स आपको डेमो भी करके आगे बताऊंगी इस वीडियो में लास्ट में। तो एक्चुअली वो क्या करते थे, बड़ा सा टब रखते थे और जो भी वो फूड लाते थे, जैसे कि कैरेट हो गया या फिर फूल गोभी का पत्ता हो गया, जैसे तुलसी का पत्ता हो गया, फिर घास हो गए, कुछ भी ऐसा कुछ जो लाते थे वो बड़े से टब में रनिंग वाटर से वे एक बार तो सारे चीज़ों को धो लेते थे। उसके बाद फिर क्या करते थे, टब में मतलब पानी ढेर सारा भरते थे और उसके बाद सारी चीज़ों को उस पानी में डुबोकर उसको 15 से 20 मिनट तक रख देते थे।
ताकि फ्रेंड्स मतलब कि डुबो के रखने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद 15-20 मिनट के बाद फिर उसको हल्के हाथों से फ्रेंड्स सारे जो बनी का जो सारे जो फूड्स है उसको हल्के हाथों से साफ करके फिर दूसरे सेकेंड पानी से वॉश करके और तब उसे हटाते थे फ्रेंड्स। उसके बाद एक क्लीन टेबल पर मतलब थोड़ा सा टेबल देखा कि जो हमारे फैमिली मेम्बर है वो एक थोड़ा सा बड़ा टेबल था तो उस पर फूड को अच्छी तरह से वॉश करके मतलब कि रखते थे फैला फैला के ताकि मतलब कि पत्ते सड़ ना जाए और मतलब कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल पाए। और उसके बाद जब वो उसके जो एक्स्ट्रा वाटर जब निकल जाते थे फ्रेंड्स थोड़े से ऐसे गैप गैप कर करके रखते थे सारे फूड्स। उसके बाद फिर उसको एक अच्छे से क्लीन मतलब कि इसमें आप थैली में मतलब कह सकते हैं थैली में क्लीन थैली में सभी चीज़ों को स्टोर कर लेते थे। और उसके बाद फिर वो एकदम जो क्लीन जो फूड है अच्छे से वॉशेबल है मतलब वॉश किया हुआ था तो फिर उसको वो फूड फ्रेंड्स हमारे गुपलू को देते थे। तो फ्रेंड्स से हम लोगों ने एक चीज़ वहाँ पर ऑब्जर्व किया जब से ये तरीके से वो हमारे फैमिली मेम्बर जो देते थे हम लोगों ने नोटिस किया कि हम लोग का जो गुपलू है उसका पेट खराब नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स से ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया फ्रेंड्स इससे हमें ये मतलब हम लोग ये कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला ये हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है थॉट है कि एक्चुअली हम लोग तुरंत एक्चुअली वॉश करके तुरंत देते थे और ठीक से वो वॉश हो नहीं पाता था और वो डिप करके रखने से मतलब टब में या तो बकेट में डिप करके रखने से फूड को तो फ्रेंड्स उसके अंदर जो भी पेस्टिसाइड्स है ऐसा मुझे लगता है जो भी पेस्टिसाइड्स है या फिर जो छिड़काव किए जाते हैं कि अच्छी तरह से ग्रोथ हो वेजिटेबल्स कैसे तो फ्रेंड्स वो जो पेस्टिसाइड्स से वो अच्छे से डिसॉल्व जाते हैं या तो मतलब कि वो निकल जाते हैं मैक्सिमम तो उसके फिर सेकेंड पानी से फिर से वॉश करके फ्रेंड्स से तो मुझे ऐसा लगता है कि पेस्टिसाइड्स उसके मतलब निकल जाते हैं या तो मैक्सिमम निकल जाते हैं और उसको अच्छी तरह से वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है रैबिट का फूड। जैसे घास में भी अगर कुछ ऐसे पेस्टिस ये है मतलब कि कीड़े तो निकल जाते हैं फिर कुछ भी अगर ऐसा है तो निकल जाता है फ्रेंड्स से इस मेथड से अगर हम लोग फूड को रैबिट के फूड को वॉश करके और तब हम लोग अपने बनी को दे। तो फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एक आपको डेमो दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप घर पर आप अपने बनी को फूड इस तरह से आप दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग डेमो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड ये इस तरह का आप टब ले सकते हैं या तो आपके पास बकेट है आप बकेट ले लीजिए या फिर बहुत बड़ा सा अगर कोई कंटेनर है तो वो ले सकते हैं। उसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स पानी भर लेना है। ये देखिए इस तरह से आप उसको उसमें फ्रेंड्स अच्छी तरह से पानी भर लीजिए इतना लेवल आप भर लीजिएगा पानी ताकि आपके पास जो भी बनी का फूड है उसमें उस पानी में आराम से वो डूब सके और पानी हल्का सा ऊपर हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से पानी को भर लेना है इस टब में। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स हमारे बनी का फूड हमारे बनी को गोभी का जो पत्ता होता है वो उसको काफ़ी पसंद है गाजर भी काफ़ी इंजॉय करके वो खाता है। तो हमारे पास अभी बनी के लिए बस इतना ही फूड है और घास अभी हम लोगों मतलब अभी फ्रेश तोड़ के लाए नहीं है उसके लिए तो अभी जो हमारे घर पर जो अवेलेबल है तो इसी को मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक डेमो करके बताती हूँ आगे कि किस तरह से इसको वॉश करके रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आपके घर में जो भी बनी का जो फूड है जो आप उसको वॉश कर सकते हैं पानी में डुबो कर रख सकते हैं तो जो है आप उसको ले के आ सकते हैं और उसके बाद फिर पानी में उसको डिप करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब मैं इसको जो भी मेरे जो बनी का जो फूड है इसको एक एक करके पानी में उसको रखते चली जाऊंगी कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स अभी जो हमारे बगल में जो दुकान है मार्केट है तो फ्रेंड्स उसमें अभी गाजर उतने अच्छे क्वालिटी के आ नहीं रहे हैं लेकिन हमें थोड़ा सा गाजर लेना पड़ता है अपने रैबिट के लिए खरगोश के लिए क्योंकि उसे गाजर खाना बहुत पसंद है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रैबिट के दांत ग्रो होते रहते हैं 2 mm तक पर वीक होता है तो फ्रेंड्स एक्चुअली वो फिर दांत चीज़ों को वो कुतरना या फिर च्यू करना स्टार्ट करता है तो हम लोग कभी उसको गाजर देकर भी
सेटिस्फाई करते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी हमें गाजर मिला था मार्केट से, तो वो हम लोग अभी लाए हैं गुकलू के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हम लोगों ने जो भी हमारे पास जो भी बनी का जो फूड था उसको इस तरह से पानी में डुबो कर रख दिया है। तो इसको 15 से 20 मिनट तक हम लोग इसको रहने देंगे और फिर इसको हम लोग जो भी इसके अंदर जो भी फूड है उसको फिर हम लोग सेकेंड पानी से वॉश करके फ्रेंड्स फिर से इसको हटा लेंगे। जो भी बनी का फूड है उसको सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 15-20 मिनट होने के बाद इसमें फिर से सेकेंड साफ पानी फिर से इस टब में भरा है और जो मतलब कि फर्स्ट वॉश कर चुके हैं इस फूड को और जो भी इसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स होंगे मैक्सिमम आई थिंक निकल जाते हैं इस मेथड को यूज़ करने से। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों ने इसमें फिर से सेकेंड पानी इसमें अच्छी तरह से क्लीन पानी इसमें भरा है और अब क्या करेंगे, हल्के हाथों से सारे फूड्स को अच्छे हल्के हाथों से क्लीन करके और फिर इसको हम लोग किसी छालीदार वाले या तो किसी भी कंटेनर में हम लोग इसको रख लेंगे ताकि पानी अच्छी तरह से निकल पाए और पत्ते जो भी हैं वो सूख पाए। फ्रेंड्स से मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल पाए, क्योंकि अगर पानी अगर ज़्यादा रहेगा तो फ्रेंड्स से मतलब बनी का फूड ख़राब भी हो सकता है और वो उससे स्मेल भी आने लग सकती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से हल्के हाथों से, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं हल्के हाथों से इसको क्लीन करके पत्ते को सेपरेट कर रही हूँ। मेरे पास एक जालीदार इस तरह का मतलब है कि आप लोगों के भी घर में बहुत इजीली मिल जाएगा, मतलब होगा ही आई नो, तो ऐसे कंटेनर से तो आप उसमें अलग से सेपरेट करके रख सकते हैं बनी का फूड यहाँ पर देखिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है तो छालीदार वाले में रखने से क्या होता है वो ऑलरेडी उसमें पानी जो होंगे एक्स्ट्रा वो नीचे गिर जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप करके रख सकते हैं फ्रूट को, बनी के फूड को। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने अपने बनी का जो फूड है उसको अच्छी तरह से वॉश करके निकाल लिया है 15 से 20 मिनट के बाद। जो डीप करके रखा था उसको सेकेंड टैप वाटर से धोकर अच्छी तरह से हल्के हाथों से क्लीन करके बनी का फूड इसको इस कंटेनर में निकाल लिया है, ताकि ये देखिए यहाँ पे जालीदार है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है इससे निकल पाए। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टेबल है मेरे पास, तो अब मैं इसको थोड़ी देर के बाद इसमें इस टेबल पर अच्छी तरह से इस सारे जो फूड्स है उसको फैला के रख दूंगी और फैन ऑन कर दूंगी ताकि अच्छी तरीके से इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सूख पाए, मतलब कि निकल पाए। और फ्रेंड्स मतलब कि आपके घर में अगर टेबल है या फिर जो भी आपको लगता है, बस आप या तो कहीं पर भी आप इस फूड को अच्छी तरीके से फैला कर आराम से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आप हटा सकते हैं। बस एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि जो भी एरिया में आप रख रहे हैं बस उसको अच्छे कपड़े से क्लीन करके रखिएगा, क्योंकि ये बनी का फूड इस पर हम लोग रखकर मतलब जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको निकालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आगे आपको ये मेथड करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी बनी के लिए मतलब हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, बस आपको बस यहाँ से फैला के रख लेना है फूड को टेबल पर। आई होप फ्रेंड, मुझे आशा है कि मैं जो मैसेज इस वीडियो में जो देना चाह रही थी मैं ठीक तरीके से आप सभी से शेयर कर पाई। और फ्रेंड्स से जैसे कि मेरा जो गुपलू का जो पेट हमेशा ख़राब हो जाता था, तो अभी हमारा गुपलू का पेट नहीं ख़राब होता है इस मेथड से। जब हम लोग इस मेथड से अगर हम लोग बनी को फूड देते हैं मतलब तब हम लोगों को लगा कि ये पेस्टिसाइड के कारण इसका पेट लूज मोशन जो भी है इसे होता है, मतलब पेट ख़राब होता है, लूज मोशन होता है। तो फ्रेंड्स अगर कहीं मतलब आप ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, कहीं आपका भी बनी का जो लूज मोशन हो रहा है कहीं इसके कारण तो नहीं है। अगर इस कारण है फ्रेंड्स, तो आप अपने बनी को इस तरह से आप फूड देकर देखिए फ्रेंड्स। आई होप आपका बनी हेल्दी रहेगा और स्वस्थ रहेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर किया है ये बहुत ही
महत्वपूर्ण था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था ऐसा मुझे लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी अगर ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छी बातें इसमें जो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे ये होगा फ्रेंड्स कि मैं जब भी बनी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगी तो फ्रेंड्स आपको उससे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और फ्रेंड्स रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए और प्यार देते रहिए फ्रेंड्स। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मतलब मोटिवेशन मिलता है कि मैं और तरह तरह के वीडियोस लाऊं और भी इंफॉर्मेटिव और क्वालिटी के वीडियोस में बना कर लाऊं फ्रेंड्स आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू अभी के लिए, और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ आप लोगों को कुछ शेयर करना हो हमारे साथ तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, टाटा गुड बाय।